हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम चाय बनाने जा रहे हैं जो सभी को बहुत पसंद आती है। और चाय बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, चाय की पत्ती, दूध। ये दूध को मैंने 2 कप लिया है और 1 कप पानी लिया है और थोड़ी सी अदरक को मैंने कूट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। चलिए अब हम चाय की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और उसमें दूध डालेंगे, 2 कप जो दूध लिया था हमने, और 1 कप पानी डालेंगे उसमें और इसे अच्छे से उबलने के लिए रखेंगे ताकि दूध अच्छे से उबल जाए। देखिए हमारा दूध अब उबल रहा है। अभी हम इसमें चाय की पत्ती पहले ऐड करेंगे, चीनी उसके बाद डालेंगे। हमने 2 कप चाय के लिए 2 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार हिला लेंगे। चाय की पत्ती देखिए अच्छे से पक गई है और चाय का अच्छे से कलर आ गया है। अब इस वक्त हम उस चीनी डालेंगे। चीनी हम 2 चम्मच डालेंगे, 1 कप के लिए 1 चम्मच चीनी। अगर आप मीठा कम पीते हैं तो कम डाल सकते हैं, हम मीडियम लेते हैं इसीलिए मैंने 2 चम्मच डाली है। देखिए अब चीनी भी अच्छे से पक चुकी है और चाय का भी कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इसमें हम अदरक डालेंगे। अदरक हमेशा हमें लास्ट में डालनी चाहिए, पहले डालेंगे तो उसका फ्लेवर चला जाएगा। देखिए हमारी चाय अच्छे से पक गई है, अब हम इसे छान लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी चाय। हमने 3 कप 2 कप दूध लिया था और 1 कप पानी लिया था और टोटल ये सिर्फ 2 कप बनी है, 1 कप पानी पकने में ही एब्जॉर्ब हो गया। लीजिए हमारी अदरक वाली चाय अच्छे से तैयार हो गई है और ये दिखने में बहुत मज़ेदार लग रही है। आप भी टेस्ट कीजिए, घर पर बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी है। थैंक यू।